आज हम बनाने जा रहे हैं रवे का बहुत ही स्वादिष्ट ढोकला। रवे का ढोकला बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 3 कटोरी रवा। एक कटोरी खट्टा दही लिया है। यदि आपके पास खट्टा दही नहीं है तो आप इसमें 1/4 चम्मच नींबू का सत, टार्टरी भी बोलते हैं उसको, वो मिला सकते हैं। इसमें मैंने 1 कटोरी पानी ऐड किया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब ये बहुत गाढ़ा है, 1 कटोरी और पानी मिलाएंगे इसमें। मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं 1 कटोरी और मिला रही हूँ पानी। तो टोटली मैंने यहाँ पे 3 कटोरी रवा है, उसमें 1 कटोरी खट्टा दही और 3 कटोरी पानी लिया है। ये बिल्कुल परफेक्ट नाप है। अभी आपको पतला लग रहा होगा, बट 15 मिनट जब हम इसको रखेंगे ढककर, तो रवा फूल जाएगा और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। ये देखिए, अब हम इसमें ये 1 बड़ा चम्मच तेल ऐड करेंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैं यहाँ नमक ले रही हूँ, आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। और यहाँ मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा। अब हम इस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब मैं इस घोल को 15 मिनट के लिए ढककर रखूंगी। 15 मिनट बाद हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए, 15 मिनट के बाद ये हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। हमें इसमें बिल्कुल भी कुछ भी पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है। बस हम इसमें 1 पैकेट इनो का मिक्स करेंगे। उससे पहले हम अपनी प्लेट को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर देंगे। मैंने यहाँ पानी बॉईल करने के लिए रखा था। पानी बॉईल हो गया है, इसमें मैं ये प्लेट रख रही हूँ। अभी बैटर में मैं 1 पैकेट इनो मिक्स कर रही हूँ। इनो मिक्स करने के तुरंत बाद हमें बैटर को गैस पर चढ़ा देना है, वरना इसका असर खत्म हो जाता है। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए रखूंगी। 15 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। गैस को फुल ही रखना है। ये 15 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसे चेक करूंगी। ये देखिए, हमारा चाकू बिल्कुल क्लीन आया है, हमारे ढोकले बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसे गैस बंद करके 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। ढोकले ठंडे होते हैं
इतनी देर हम ढोकले के तड़के की तैयारी कर लेते हैं। ये तेल हमारा गर्म हो जाए उसके बाद इसमें राई डालेंगे। अब इसमें हरी मिर्च, गैस को सीम रखेंगे। जो हमने ढोकला बनाया था वो हल्का गर्म है, इसे हम कट कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे ढोकला पे थोड़ा सा मिर्ची डाल रही हूँ, आप चाहे तो ना डालें पर मुझे ये दिखने में अच्छा लगता है, इसके लिए मैं इस पर मिर्ची ऐड कर रही हूँ। अभी ढोकला हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए ये ढोकला बनकर तैयार है, अब इसे हम सर्व करते हैं। तो ये हमारे स्वादिष्ट ढोकले बनकर तैयार हैं, जो बहुत ही कम सामान में बन जाते हैं और सबको बहुत पसंद आते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।